लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब आपका पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो अगर आपको ब्लॉक कर देना तो उससे अपने आप को अनब्लॉक करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे बात करने का और कोई तरीका ही आपके पास में नहीं होता, आप उससे मिल भी नहीं सकते। सो अल्टीमेटली आप उससे तभी बात करेंगे जब वो आपको अनब्लॉक कर देगा और कोई चारा है ही नहीं बात करने का। तो क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको ब्लॉक कर देता है? तो आज करेंगे इसी बारे में, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरी दिलटक्स फैमिली, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आपका झगड़ा हो जाए आपके पार्टनर से, किसी भी चीज़ पे आर्ग्यू हो जाए और जब आपका पार्टनर ये बोले कि यार मुझे बात नहीं करनी है, मुझे थोड़ा टाइम दो, या मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे परेशान मत करो, वो गुस्से में ऐसा बोले, तो उस टाइम पर सच में उसे थोड़ा टाइम दे दो। सॉरी बोलकर उसके पीछे मत पड़ो, बार बार उसको कॉल या मैसेज मत करो, क्योंकि जब आपका पार्टनर नाराज़ होता है थोड़ा सा टाइम चाहता है और तब आप उसको टाइम नहीं देते तो वो इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से आप ब्लॉक होते हैं। जब भी आप ब्लॉक होंगे ना तो आप एक चीज़ नोटिस करना, वो ब्लॉक आप तब हुए हैं जब आप उसके पीछे पड़ रहे थे। ज़्यादातर केसेस में 80% में यही होता है कि आप बहुत पीछे पड़ रहे हो तब सामने वाला आपको ब्लॉक करता है। झगड़ा होते ही ब्लॉक नहीं करता, आर्ग्यू होने पर ब्लॉक नहीं करता, आपके पीछे पड़ने पर करता है। तो पीछे नहीं पड़ना है अपने पार्टनर के। बट अगर आपने ये गलती कर ही दी है और अब आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर ही चुका है, तब क्या करना है, अनब्लॉक कैसे करवाना है, ये समझिए। ब्लॉक होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये कि उसने ब्लॉक तो कर दिया है, इसके बाद आप अदर नंबर से कॉल मत कीजिए। मैनी टाइम क्या करते हैं आप लोग कि आपका एक नंबर ब्लॉक हो गया, आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, उससे कॉल करते हैं, फिर वो नंबर भी ब्लॉक कर देता है, फिर आप किसी थर्ड नंबर से कॉल करते हैं, किसी फोर्थ नंबर से मैसेज करते हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसके थ्रू आप कॉल कर पाएँ, आप ऐसे ड्रामे करते हैं। इससे क्या होता है, जो पार्टनर आपसे गुस्से में है, इरिटेट है, जो आपसे थोड़ा सा वक्त चाहता है, अकेले रहना चाहता है, उसको टाइम नहीं दे रहे हो थोड़ा सा सोचने का, समझने का, अपना गुस्सा ठंडा होने का आपने टाइम दिया ही नहीं। ऐसे में जो गुस्सा था ना वो वक्त के साथ में आपसे नफरत करने लगता है, वो नाराज़गी नफरत में बदल जाती है आपके लिए, और फिर जो रिश्ता सही हो सकता है वो हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। किस वजह से? आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी गलती की वजह से कि आप उसके पीछे पड़े हुए थे, आप उसे इरिटेट कर रहे थे। तो ये काम कतई ना करें। अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर चुका है तो वेट कीजिए उसके अनब्लॉक करने का, और अगर आपसे रहा नहीं जा रहा और आप मैसेज करना ही चाहते हैं तो एक मैसेज उसको ड्रॉप कर दीजिए किसी अदर नंबर से ब्लॉक होने के बाद कि सॉरी मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था या फिर पड़ी हुई थी, अब मैं आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रही हूँ, अब सामने से आपको परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ जब भी आपका गुस्सा ठंडा हो, जब भी आप मेरे से बात करने के मूड में हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ कॉल मी, लेकिन मैं आपको सामने से कॉल करके अब परेशान नहीं करूँगी। ये चीज़ें आप मैसेज में लिख दीजिए, उसके बाद कोई मैसेज मत करना, कोई कॉल मत करना किसी भी नंबर से। जब ये मैसेज उसके पास में जाएगा ना तो उस टाइम पर तो उसको गुस्सा आएगा, वो भरोसा नहीं कर पाएगा, वो कुछ दिन आपको चेक करेगा, वो वेट करेगा कि आप मैसेज करते हो या नहीं करते हो, कॉल करते हो या नहीं करते हो। जब आपका कोई कॉल या मैसेज नहीं जाएगा बहुत दिनों तक तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब वही कॉल करेगा तभी आपकी बात होगी, वरना नहीं होगी। वक्त के साथ में गुस्सा जैसे ठंडा होता जाएगा, उसका मन आपसे बात करने के लिए होने लगेगा। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो इंसान आपको खुद ब खुद अनब्लॉक कर देगा। सो आप अनब्लॉक हो जाएंगे। यही एक तरीका है अनब्लॉक होने का, यही एक चीज़ है जो आपको ज़रूर करनी है। पहला, पीछे नहीं पड़ना। दूसरा, एक मैसेज कर दीजिए कि अब आप उसको कॉल या मैसेज नहीं करने वाले, परेशान नहीं करने वाले। लेकिन जो मैसेज है ना उसमें गुस्सा मत दिखाना कि अब नहीं करूँगा मैसेज, वो गुस्सा नहीं दिखाना, एटीट्यूड मत दिखाना। नाराज़ वो है, आप नहीं हैं। आपकी ड्यूटी है उसको मनाना। मनाते कैसे हैं इस चीज़ को ध्यान रखना। प्यार से मनाया जाता है, सॉरी बोल के मनाया जाता है। सो इसी तरीके से मैसेज करना जिसमें आपका प्यार दिखना चाहिए, केयर दिखनी चाहिए, गुस्सा नहीं, एटीट्यूड नहीं। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ टाइम बाद तो आपको वो अनब्लॉक कर ही देगा, बट अनब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाएं, नहा धोके पड़ जाएं कि इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया ना, अब तो मैं फिर इसको सॉरी बोलूँगा, मनाऊँगा और पैरों में बिछ जाऊँगा। डोंट डू दिस। उसके पीछे मत पड़िए, अपना हक मत दिखाइए, शांत रहिए, थोड़ा सुकून में रहिए। जब भी आप बात करें थोड़ा गिल्टी फील करें। अगर आप गलती पे हैं तो वो जो गलती है और उस गलती का एहसास है आपकी बातों में दिखना चाहिए। जब भी आप बात करें तो आपकी बातों में एक दुख होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसे फील होना चाहिए कि आप कितना दुखी हैं, आप कितना गिल्टी हैं, कि आप खुश नहीं हैं, आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, अपने आप में रहते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से कट चुके हैं, अब आप एक कमरे में बंद हो चुके हैं। ये चीज़ें उसको बताइए, धीरे धीरे एहसास करवाइए कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि आपने उसे हर्ट किया है, आपको दुख है कि आपने उसे दुख पहुंचाया है, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो उसको दुख पहुंचाने के लिए। ये चीज़ें आपकी बातों में दिखनी चाहिए उसे, तभी उसको समझ में आएगा, तभी वो इंसान माफ़ करेगा, तभी उसका गुस्सा ठंडा होगा। ये गिल्ट ज़रूर दिखाएं, अपना दुख ज़रूर दिखाएं, उससे आर्ग्यू ना करें। इसके साथ ही एक और गलती आप क्या करते हैं कि जब भी आपका पार्टनर आपसे नाराज़ होता है, आपको अनब्लॉक कर देता है और फिर आपसे झगड़ा करता है ना, कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया था, तो आप क्या करते हैं उसको सफाई देना शुरू कर देते हैं, उसको समझाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लड़की से बात करने लगे थे, इस चीज़ का उसको पता चल गया और आपको भी अपनी गलती का एहसास है कि आपने जो किया आपको नहीं करना चाहिए था। अब आप अपने पार्टनर को मना रहे हैं जो आपसे दूर है। अब ऐसे में वो आपसे बार बार क्वेश्चन करता है, क्यों किया उससे बात, तो आप यार पता है मैं ऐसा था, मैं अकेला था तो मुझे दिख गई थी तो मैं अट्रैक्ट हो गया था। सफाई मत दो, जहाँ पर आप गलती पर हो वहाँ पर आप कम बोलो, सिर्फ एक ही चीज़ बोलो, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है मेरी गलती है। एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि ज़्यादा एक्सप्लेन वही इंसान करता है अपने आप को जो झूठ बोल रहा होता है। जो इंसान सच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा वो आप पर डाउट करेगा, उतना ज़्यादा वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन ना करें, बहुत ज़्यादा ना समझाएं, उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब ना दें, बार बार सफाई ना दें। यही आपको झूठा साबित कर रहा है, इस वजह से वो आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा है, आपको समझ में नहीं आता। ओवर एक्सप्लेनेशन आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। नहीं करो ये काम, कम बोलो। वो जितने भी क्वेश्चन सामने से पूछता है, जस्ट से वन थिंग, यार मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्यों किया, बट यार सॉरी ना, आगे से नहीं होगा, प्लीज़ एक चांस दे दो। बस इतना ही, सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से नहीं होगा, चांस दे दो, सॉरी, आगे से नहीं होगा, चांस दे दो, बस इतना। एक्सप्लेन मत करना एट एनी कॉस्ट, अगर आप गलती पर हैं तो। यही तरीका है किसी रिश्ते को हैंडल करने का, अपनी गलती की माफ़ी मांगने का, चीज़ों को ठीक करने का। साथ ही साथ ये उम्मीद मत करना कि उसने आपको माफ़ कर दिया तो एकदम सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, कोई इंसान आपको माफ़ भी कर दे, अनब्लॉक भी कर दे, तो भी जो दिल में दुख है, जो शक है, जो दर्द है, वो वक्त के साथ में कम होता है। किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आज माफ़ किया कल वो एकदम एक जैसा हो जाएगा, नहीं। उसको आपके लिए नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम उसको दे। आपको सॉरी की माफ़ी देने के बाद वो अगर आपसे कटा हुआ रहता है और ज़्यादा बात नहीं करता, तो इस चीज़ पर झगड़ा ना करें कि यार अब भी तुम मेरे से कटते हो, अब भी बात नहीं करते, पहले की तरह बातें नहीं हैं। नहीं, आप गलती पे हो, कम बोलो। शिकायत करने का अधिकार अभी आपको नहीं है, उसको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप समझिए, तभी ये रिलेशन वर्क करेगा। धीरे धीरे आप नॉर्मल बिहेव रखिए, वक्त के साथ में वो भी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे जैसे चीज़ों को भूलेगा वैसे वैसे अच्छा बिहेव करने लगेगा पहले की तरह। सो गिव हिम और हर सम टाइम टू अंडरस्टैंड, टू फॉरगेट ऑल द थिंग्स। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको अपने आप को अनब्लॉक करवाना है और रिश्ते को ठीक करना है। तो इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाकर आंसर दूँ, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalksdaily@gmail.com। ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वेडनेसडे को। अब फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।